मेरा बहुत ख्याल रखा है और बहुत मजा आया। तो निकलने वाली हूँ। अच्छा जा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैरिस होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं रेडियो पे बैठी हुई हूँ, वो इसलिए कि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। और सुबह का टाइम है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ड्रेस भी पहन लिया और साथ मेकअप वगैरह जो भी मैंने करना था बाल भी सेट कर लिए। और अब जो मेन काम होता है वो होता है नाश्ता, तो मैं नाश्ता करती जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में और उसके बाद मैं अपना नाश्ता रेडी करूंगी, उसके बाद मैं फिर अपने ससुराल निकलती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो मुझे बेहद खुशी हुई है कि आप सब मेरी वीडियो कितना लाइक कर रहे हैं और मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो आपने इतनी लाइक की, तो थैंक यू सो मच आपका। आप सब यही सोचते होंगे कि मैं आपको थैंक यू करती रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको थैंक यू इसलिए करती हूँ कि इससे आप भी इतना खुश हो जाते हैं और आप मुझे भी, आप सबने मुझे भी इतना सपोर्ट किया और मुझे बेहद खुशी हुई कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। और वैसे भी जैसे भी कमेंट्स हो तो मैं पढ़ के इंजॉय करती हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं होती कि कंफ्यूज हो जाऊँ या फिर मैं अपना मुंह बना लूँ, नहीं, क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ, मैं खुशी होती हूँ पढ़ के, जैसे भी हो जैसे आप लोग करते हैं। तो अब नाश्ता रेडी करती हूँ जाके, तो देखती हूँ किचन में आशा है कि नहीं है, नहीं तो मुझे अपना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ेगा आज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अनमोल मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अनमोल अभी सो रही है, तो जैसे मैं अनमोल उठती है वो मेरे साथ आ जाएगी वीडियो बनाने के लिए और वो इतना खुश होगी कैमरे के सामने। तो जब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ तो अनमोल भी उठ जाएगी। अभी अनमोल को ये नहीं पता कि मेरी फूफा जा रही है, कल मैंने उससे बात की थी थोड़ी सी, मैंने कहा मेरी फूफा जा रही है, ना जाए ना जाए, तो उसे भी पक्का नहीं पता, उसको उठी पता चलेगा कि मेरी फूफा जा रही है, फिर देखती है अनमोल क्या कहती है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और अपना नाश्ता रेडी करूंगी, क्योंकि किचन में यहाँ कोई नहीं है, आशा है, आशा नीचे है, तो मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम लाइफ के मरीन के सब्सक्राइबर्स, लाइट का कोई खराब नहीं है, ना चूल्हा खराब है, मैं परेशान नहीं आ रहा हूं, बस लॉक खराब है, ये वाला यूज करते हैं, ये देखो एकदम से चल पड़ा। तो आशा आपने नाश्ता कर लिया, तो मैं आपको बना देती हूं। ठीक है, मेरा भी पता ही होगा आपको क्या है। देखिए आप जब एक बंदा खड़ा हो ना किचन में, तो फिर उसको ही नाश्ता बनाना चाहिए, अगर मैं खड़ी हूँगी तो मैं बनाऊंगी, अगर मड़ी खड़ी है तो मड़ी बनाएंगी, बस मेरा नाश्ता आमला बनाया करती थी, फिर मुझे याद करता है, तो आज मड़ी के हाथ बना हुई नाश्ता खा लेती हूँ। प्याज कट करें, ठीक है, ये है मेरा, वैसे मैं खुद आगे भी बना रही थी, ये देखिए, ये देखिए, पता ही होगा मैं कौन सा ऑमलेट खाती हूँ। जल्दी भी नाश्ता रेडी करके फिर मैं निकलने वाली हूँ। अच्छा जा रही हैं आप? मुझे बताइए कब जा रही हैं? अभी नाश्ता करके जा रही हूँ मैं। ना जाओ अभी, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, काफी दिन हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ मैं अब जाऊंगी, अब आएंगे फिर दोबारा, तो देखते हो मैं पाऊंगी बता दूंगी आपको जब आना होगा। तो आशा इस टाइम प्याज कट कर रही है, ग्रीन ऑनियन आशा ने खाना है ऑमलेट और मैंने खाना है ब्रेड और साथ चाय। क्यों क्या होता है? बहुत खा ली है एग, मैंने मिक्स करके ऐड करती हूं ऑमलेट में। तो अब जैसे जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी होता है फिर उसके बाद मैं अनमोल से मिलती हूँ। कहा है अनमोल से? सो कुछ नहीं है, सही हुई है अनमोल। मुझे तो चला मरियम जो है ना वो चाय बना रही है, उसमें शुगर ऐड कर रही है, पर वही मैं विदाउट शुगर पीती हूँ चाय। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भर जाता मेरा पानी, मुझे पानी अच्छा है यहाँ का, ऐसी बात नहीं, यहाँ का पानी मुझे मोटा कर देता है और वहाँ जाती हूँ मैं स्मार्ट हो जाती हूँ। तो आशा बना रही है नाश्ता मेरे लिए,
क्योंकि आशा को पता चल गया कि मरीम जा रही है, तो इसलिए आशा ने नाश्ता खा लिया और बहुत कुछ क्या आ रही है आपको फ्रेंड आए सभी हाय करते हाय चलो जाओ बाल बना के आओ जाओ है सिर्फ बातें करते हैं चलो शाम सिंपल चाय पीऊंगी एक और बात आशा मैंने आपसे पूछनी थी तो ये देखें आशा जी मैंने पूरा डिब्बा में पैक कर लिया है अपने लिए साथ लेके जाऊंगी मैं और वहां जाके मैं बना के खाऊंगी सबको खिलाऊंगी ठीक है ये है पलक का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स तो ये आया हुआ था तो हम तो ज्यादा नहीं खाते ना कोई भी चीजें तो तीन चार डिब्बे थे तो मैंने सोचा मैंने कहा एक मैं ले जाऊंगी ठीक है ना तो ये एक फिर भी ज्यादा ही है आशा इसमें कितने बाढ़ आए हैं इसमें एक दो तीन चार पाँच छह सात नौ दस ग्यारह बारह ठीक है ना ये पैक हो जाएगा मेरे सामान के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके लेके जाना ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने सोचा मैं साथ लेके जाऊंगी इसको बहुत इजीली बन जाता है इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता सिंपली से मैं तो चाह रही हूं मिक्स करो उसको ससुराल में डाल के और फ्राई कर लो ससुराल जाए तो ये बनाए आपने कैसे बनाया सबको कैसे खिलाना ससुराल में बना के खिलाए सबको क्रिस्पी चिकन तो अगर हो सका टाइम हो तो मैं इसकी वीडियो भी बना लूंगी ये तो कह रहे बनाए हैं तो ये देखे मैंने मैं ऐसा खाती हूँ ऑमलेट ये आशा को ऑमलेट रेडी है और मेरे स्लाइस किधर है वो भी मैं लूंगा ये चलो ये देखे और ये आपके हैं जरा क्रिस्पी ले चाहिए ठीक है गोल्डन ब्राउन चलो हो गया अभी क्या और क्यों नहीं खाना नहीं ठीक है बस टाइम नहीं है जल्दी करो ज्यादा करती हूँ तो अब ये चलाएंगी आशा मीडियम से क्यों चलता लगा क्योंकि ये ढीला हो चुका है नहीं ऐसे है ये देखें एकदम से तो आशा ने चाय भी रख दी है तो मेरे स्लाइस भी रेडी हो चुके हैं होंगे होंगे कैसे रखने बस सही है कुछ वो डाल दो तुझे ज्यादा तेज पसंद है तो अब क्या होगा हो रहे हैं ये ठीक है ना तो हम यूज करते हैं ऑल पर्पस ये कप निकाल दो आशा तो आप सभी मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोग
से चाय पीती है कि लाइट चाय और नाश्ते के टाइम कि आपको कौन सी चाय चलो क्योंकि आपने मीठा डालना था इस वजह से आप इतना मतलब दूर डाल देती है आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब जो मीठा डालते हैं आप दूर डालते हैं चाय हो गई आशा ठीक है तो आशा अपनी चाय निकाल लेगी उसके बाद मैं उसमें डालूंगी शुगर तो मैं शुगर लेके आती हूँ चलो मैं डालूंगी थोड़ी सी ज्यादा नहीं नॉर्मल तो ये देखे आशा का तो हो गया रेडी जब रेडी हो गया तो आशा यही डेली खाती है और जब मैं स्टोरी बनाती हूँ ना इंस्टाग्राम पे कहते हैं एक चीज खाए पानी नहीं आती नहीं मैंने खाना बचपन से हम यही खाते हैं ऑमलेट और तो कभी हलवा पूरी लाल को बहुत पसंद छुट्टी वाले दिन तो वो खाना पड़ता है चलो मेरी भी चाय होगी मैं बंद कर दूँ ये डाल देती हूँ डाल दो शाबाश डाल दे आप तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने चलिए आशा करते हैं चलो अब हो रहा है नाश्ता फिर उसके बाद हम मिलते हैं अनमोल के साथ अनमोल उठती हुई है रेडी होके आ रही है आशा आपके ऊपर हर ड्रेस सूट करता है सलवार कमीज और शर्ट और साथ जींस हर चीज अच्छी लगती है हाँ तो वो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए वो जो आशा हमने वीडियो है साथ आशा लाइफस्टाइल में आपके साथ नहीं कि आशा वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी है मतलब हवा अलग गई नहीं नहीं मेरी भी मैं तो शुरू से करती हूँ बचपन से करती थी आशा और मैं भी करती हूँ बचपन से करती थी लेकिन अब मैं ज़रा कम हो गई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं वेट ज्यादा हो गया इसलिए तो मरी मैं तो शुरू से वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हूँ आपको पता ही है हाँ शुरू से हम करते हैं बचपन से करते हैं लगता है लोगों ने वीडियो ज्यादा शहरी इफ्तारी देखी है शहरी इफ्तारी में मैं तो नहीं वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आती थी ना ज्यादातर इसलिए लोगों को लगता है आपके लिए मुझे बताओ क्या चीजें लिखे है बताओ ना चॉकलेट के गुलाब जामुन गुलाब जामुन अच्छा और कुछ लोगों को लगता है मरी मुझे वेस्टर्न ड्रेसिंग सूट नहीं करती तो आशा मत करो मैं लोगों की बातों में नहीं आती मुझे पता है मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं मुझे वेस्टर्न भी कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है और ईस्टर्न भी बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं दोनों करती हूँ ड्रेसिंग जैसे आज मैंने की है दुपट्टा और साथ शलवार कमीज पहनी है नाश्ता करना आती तो बस मरी आप इंसान को पता है उसे क्या सूट करता है जैसे मरी मोल है मोल हर चीज पहनती शलवार कमीज जैसे मोल है शलवार कमीज पहनी हर चीज सूट करती है हर कलर सूट करते हैं इतनी प्यारी है माशाल्लाह से अनमोल को बात प्यारे बंदे में यही देखिए अनमोल की तीन कोनियां वाहिद बच्चा ऐसा है मैंने मोल देखे जिसे हर कलर सूट करता है ये अपनी खुपो पे है इस वजह से हम सबको भी हर कलर सूट करता है अपनी मम्मा पर है उसकी मम्मा भी हर कलर सूट करता है सब पे है मोल नाश्ता कर ले ये लो मम्मा भी कभी हर कलर सूट करता है क्योंकि फेयर है कलर उनका दोनों का चलो कर मम्मा भी का चलो ठीक है फिर हम नाश्ता करके फिर मैं निकलती हूँ बार बार देखिए जा रही निकलती हूँ अनमोल को पता चला मैं जा रही हूँ तो नाश्ता मैंने कर लिया आशा के साथ मिलके तो इस टाइम आशा कैमरेमैन बनी हुई है और मैं सोच रही हूँ जाने से पहले आमना से मिलूं क्योंकि मैं आमना से मिले बगैर नहीं जा सकती तो मैं आमना से मिलके जाऊंगी तो अच्छा अब मैं जा रही हूँ तो वो जल जाऊंगी थैंक यू सो मच मेरे इतना ख्याल रखने के लिए तो मरी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और बहुत मजा आया तो कोई काम थी इसलिए मैं जा रही हूँ मुझे जाना लाजमी है तो बहुत जल्द आएगी हाँ ठीक है इंशाल्लाह चलो ठीक है अपना अच्छा चलो ठीक है तो आशा आप अपना ख्याल रखना तुम भी अपना ख्याल रखना चलो ठीक है अच्छा मुझे सलाह हाफिज़अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुकी हूँ
और एक पीआर पैकेज आया है तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो आप भी देखें। ये देखें, आलियस कलेक्शन की तरफ से मुझे पीआर पैकेज आया है, तो इसकी पैकिंग देखें कितनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले मुझे इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत लगी, ये देखें आप कितना प्यारा पैक हुआ है। तो अब इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ उसमें क्या है। तो ये देखें, आलियस कलेक्शन की तरफ से मुझे ये पार्सल आया है और मेरे फॉलोअर्स के लिए 10% डिस्काउंट है और मेरा प्रोमो कोड नंबर MR10 है। तो ये देखें, ये हेड बैंड है ऑरेंज कलर में और इसके साथ स्क्रंचीज हैं, ये देखें, ये ऑरेंज, ये वाइट और ये ग्रे कलर में है और साथ ये नेट ही है। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है ये नेट में और ऊपर बीट्स लगे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने भेजा एक मास्क, ये देखें, क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है तो ये मास्क सब यूज कर रहे हैं, ये देखें। और इन्होंने इसके साथ भेजा है इयररिंग्स, ये बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, ये देखें, रेड में और ब्लू में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आप भी इनके पेज को जाके लाइक करें और फॉलो करें। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे गर्ल्स यूज़ करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, बहुत प्यारी। ये इयररिंग्स खासतौर पर बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे। लोगों के साथ मैच करके मैं इसे पहनूंगी और इसकी पोस्ट भी लगाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू सो मच आलियस कलेक्शन। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। घर आते ही मैंने खाना खा लिया, लंच का टाइम था, तो अब मैं करती हूँ अपने रूम की डस्टिंग और भी बहुत से काम है मुझे। तो अब इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।